कुरान क्या है? वो मौलाना साहब को सवाल है पूछने का, कुरान क्या है? वो कुरान किताब है, आसमानी है। वो कौन सी किताब है? मतलब चौथी किताब आसमानी है। किस पे नाजिल हुई? या रसूलुल्लाह पर नाजिल हुई, रसूल के कल पे। कितने सालों में नाजिल हुई? 23 सालों में तदरीजन नाजिल हुई, लेकिन कुरान का दफी नुजूल भी है। वो कितने कुरान के अंदर सूरतें हैं? मौलाना साहब ये कोई सवाल है, तो बच्चे भी जानते हैं, 114 है। कितने सूरतों के नाम याद है? कितना मैं कुरान मेरे अंदर है? नहीं है, ऐसा वक्त नहीं है हमारे पास। कुरान कयामत में खुदा की बारगाह में गिला करेगा कि इस उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और रसूल खुदा क्या फरमा गए कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें बाहरी गिरान बाहर चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? कुरान, दूसरी इतरत। जिसने इन दोनों को थामा वो हौज़े कौसर पे मुझे मिलेगा। तो मैं आपसे नहीं, मैं अपने आप से कह रहा हूं। किसने खल किया है हमें? वहां साहब ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? वो खुदा ने खल किया है। तो खुदा से बात करते हैं या खुदा आपसे बातें करता है? मौलाना साहब खुदा से बात की जा सकती है, खुदा भी बातें करता है। हाँ, तुम अगर खुदा से बातें करना चाहो तो तुम नमाज पढ़ो, और तुम अगर चाहते हो कि खुदा तुमसे बातें करे तो कुरान की तिलावत करो। वो कलाम इलाही है ना। मसला ये कि हमने सिर्फ मफहूम सुने हुए हैं कि ये कलाम इलाही है। खूब कलाम इलाही है तो अपने वजूद में क्यों नहीं उतार रहा इस कलाम को?